बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स अस्सलाम वालेकुम, बाब नदीम हियर। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमने जनरल नॉलेज जो है उसको कैसे और कहां से जो है वो तैयार करना है। उसके लिए सबसे पहले जो पास्ट पेपर्स हैं, अगर आप उसको एक नज़र देख सकें तो आपको वहां से पता चलेगा। जो 2-3 साल के पेपर हैं, अगर आप वहाँ से उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि ये पेपर जो है किस तरह से आ रहा है। एक फिल इन दी ब्लैंक्स आ रही हैं, ठीक है। और ऊपर देखें, क्वेश्चन को देखें, एक पेपर के ऊपर लिखें कि पिछले 3 सालों में जो कंसेक्यूटिवली जनरल नॉलेज का पेपर आ रहा है उसमें डिवीजन किस तरह से है, कंपलसरी क्वेश्चन कितने हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन चॉइस कितनी है, और फिर जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं या वो सब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं। ये आप लोग कैसे, आपको पता चलेगा जब आप पिछले जो पेपर हैं 2-3 साल के उनको जब आप थ्रैश आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा। जब आप अपना एक माइंडसेट तैयार कर लेंगे कि आपके जहन में ये बात होगी कि जनरल नॉलेज का पेपर किस तरह से आ रहा है, फिर ही आप उसकी जो है वो तैयारी जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप बारी बारी सारे जो पेपर्स हैं उनको, उनके फिर एमसीक्यूज को अच्छी तरह से देखें। लेकिन ये वैसे हो सकता है ये पेपर आपको ना मिलते, लेकिन इट इज़ अ ब्लेसिंग कि एमसीक्यूज टाइप पेपर भी आपके पास अवेलेबल है। तो उसको अच्छी तरह से थ्रैश आउट करें और देखें कि वो कौन से एरियाज़ को जो है वो टच करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद फिर आगे पार्ट्स हैं। पार्ट्स के अंदर क्या है कि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है वो पूछ रहा है। अब इसमें जो इंटरनेशनल है वो उन्होंने अब क्या किया है, निकाल दिया है। यानी इंटरनेशनल रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपने नहीं करने, लेकिन बाकी इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर और जनरल नॉलेज और एवरेज डे साइंस वो आपने करना है। अब मेरे ख्याल है पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात जो है इसको वो किसमें टच कर रहा है, इसको वो सब्जेक्टिव पूछ रहा है, और एवरीडे साइंस और जनरल नॉलेज जो है उसको वो ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में जो है वो पूछ देख रहा है, ठीक है। तो एनी हाउ ये आप खुद इसको जो है वो सारे पेपर थ्रैश आउट करके इसको आप जो है वो क्या करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। अब हम इसके थोड़े से सोर्सेज देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आप पास्ट पेपर्स को अच्छी तरह से देखें। इसके अलावा मैंने एक पास्ट पेपर पहले एक ब्रीफ लेक्चर भी दिया था इसके जनरल सोर्सेज के ऊपर। एनी हाउ, अच्छा, इसके ऊपर हाई कोर्ट ने कुछ सजेस्टेड रीडिंग भी दी हुई है जहां से ये जो है इसको तैयार करना है, वो इसको इस पेपर को तैयार करना है। लेकिन मैं समझता हूँ शायद वो उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से लिखा हो जो कि अब उन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। और वैसे भी अब शॉर्ट पीरियड में ये इतना आपसे नहीं पढ़ा जाएगा ना ये वाली चीज़ें। तो एनी हाउ अब हम देख लेते हैं उसके लिए कौन से बेस्ट सोर्सेज हैं। अब मैंने आप लोगों से ही कहा और आप लोगों ने फिर उसमें जो सोर्सेज थे वो आपने शेयर किए, और मैंने उनके लिंक भी दे दिए हैं इधर ग्रुप्स के अंदर, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से जो है उसको जो है वो उसकी जो है वो तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप ये लिंक्स जो है वो देखिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ मटेरियल हमारे गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है और कुछ फेसबुक के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मटेरियल जो है वो जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल पड़ा हुआ है। ये बेसिकली हमारी एडमिन थी उस वक्त 2015 में, मैडम अंबर, और वो मैडम अंबर उजाला अंबर, ठीक है। तो ये उन्होंने ये चीज़ शेयर की थी, अब वो जज हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, उस वक्त वो जज नहीं थी लेकिन वो भी सर्व किया करती थी। तो ये देखें, ये उन्होंने जो मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस के, वो उन्होंने शेयर किए हैं। अगर आप इसको देख लें तो इसको आपको बहुत ज़्यादा जो है वो क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो लिंक जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इनको जो है वो एक नज़र जो है वो आप जो है वो देख लें, तो इसका ऑब्वियसली आपको जो है वो फ़ायदा होगा। लास्ट किधर गया, ठीक है। और एक CSS फोरम है, वेरी ज़बरदस्त। ये आप क्या कर रहे हो बेटा, एक लास्ट जो है वो CSS फोरम
है, तो इसको आप जरूर देखें इस परस्पेक्टिव से। यहाँ से आपको बहुत ज्यादा मटेरियल जो है वो आपको जो है ओके वो ओके मिलेगा, ओके ठीक है। तो अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।